नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डॉक्टर भवदीप भाटिया टॉक शो के अंदर। और आज हम बात करने जा रहे हैं डिप्रेशन का कंप्लीट ट्रीटमेंट आपके घर में और आपके ऑफिस में। दोस्तों, हमें करना क्या है, लॉजिकली आज समझना है कि डिप्रेशन होता क्यों है, नेगेटिव एनर्जीज़ के कारण। नेगेटिव एनर्जीज़ आती कहाँ से हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ कलेक्ट कहाँ पर होती हैं, हमारे घर के अंदर ऐसे कौन कौन से कॉर्नर्स हैं जहाँ पर नेगेटिव एनर्जी सबसे ज़्यादा और अधिक होती हैं। आज उन्हीं चीज़ों को डिकोड करते हुए दोस्तों सॉल्यूशन निकालते हुए पूरा ट्रीटमेंट करते हैं। और इस ट्रीटमेंट को करने के बाद मुझे उम्मीद है आपके घर का कोई सदस्य ना डिप्रेशन में रहेगा। और कोई भी अगर और भी मुसीबत यदि घर में चल रही है, यदि ग्रह क्लेश है, तो सबका सब जो इतने भी इशूज़ हैं वो सारे वर्कआउट हो जाएंगे। दोस्तों, आज इस ट्रीटमेंट को करके देखिए, कंप्लीट मेंटल पीस आप पाएंगे। दोस्तों, करना क्या है, नंबर वन आपको आइडेंटिफाई करने इस तरह के कॉर्नर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखेंगे टॉयलेट्स। देखिए, ऐसा एक कॉर्नर होता है आपके घर का जहाँ पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज इकट्ठी होती हैं। अब आपको इलाज क्या करना है दोस्तों, आपको बेसिकली एक जो है कांच का बाउल ले लेना है, उसके अंदर सेंधा नमक भर देना है और उसको थोड़ा हाइट के ऊपर जाकर अपने बाथरूम या टॉयलेट के अंदर प्लेस कर देना है। और हर हफ्ते दर हफ्ते आपको उसका नमक जो है चेंज करना है। दोस्तों, यदि आप रेगुलरली लगातार इस उपाय को करते रहते हैं, सालों करते रहते हैं, तो आपके घर में किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जीज आ नहीं सकती। पर होता क्या है दोस्तों, मेरे इन रेमेडीज़ में एक्चुअली अक्सर जो लोग जो शिकार बनते हैं डिप्रेशन का या नेगेटिव एनर्जीज़ का, वो ऐसे बनते हैं कि वो इनको रेगुलर कर नहीं पाते हैं, हैबिट में नहीं आ पाते हैं। हैबिट बनाइए, रेगुलरली इनको फॉलो कर लीजिए, रेगुलरली नियम के साथ फॉलो कीजिए, कंसिस्टेंटली कीजिए, तो आप पाएंगे कि आप जो है किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जीज को ओवरकम कर लेंगे और जो है डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। दोस्तों, तो पहला उपाय मैंने आपको बताया, टॉयलेट के अंदर सेंधा नमक का प्रयोग करते हुए इस उपाय को आपने करना है और हर हफ्ते जो है उसका नमक को चेंज करना है। दूसरा उपाय दोस्तों आपको करना क्या है कि घर के अंदर झाड़ू जो होता है, देखिए दोस्तों डेली लगना बहुत ज़रूरी है। डेली नहीं लगता है तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज पक्का कलेक्ट होंगी। घर की गृहिणियाँ या कोई भी व्यक्ति जो उस घर में रहता है, झाड़ू डेली लगाइए घर में, झाड़ू इज़ मस्ट। इसके अलावा एक और प्रयोग आपको बताने जा रहा हूँ झाड़ू का, कि झाड़ू को अगर आप रात के टाइम दोस्तों जो है अगर इस तरह से, जो कि थोड़ा सा बुरा भी ना लगे, और इस तरह से कि अगर आप गेट के बाहर रखते हैं, तो झाड़ू की एक और ख़ास बात है कि झाड़ू किसी भी नेगेटिव एनर्जी को रात के टाइम पे घर के अंदर एंटर नहीं होने देता है। ये उसकी ख़ास बात है दोस्तों, क्योंकि झाड़ू जो होता है महालक्ष्मी का रूप भी माना जाता है, तो झाड़ू का इस तरह भी आप प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगला एक और बेहतरीन उपाय बताने जा रहा हूँ दोस्तों, मॉपिंग। यानी कि आप लोग पोछा किस तरह से लगाते हैं, पोछा लगाने का जो आपका नॉर्मल तरीका होता है दोस्तों, वो होता है कि आपने फिनाइल लिया, उसके अंदर डाला बाल्टी के अंदर, उससे मॉपिंग यानी कि पोछा कर दिया। परंतु दोस्तों ऐसा नहीं करना है, अब से आपको मॉपिंग या पोछा लगाने का जो तरीका है वो चेंज करना पड़ेगा। उसका सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप एक बाल्टी के अंदर 2 से 3 चम्मच जो है भर के सेंधा नमक डालिए और फिर जो है घर के हर कोने में जो है अच्छे से उसकी मॉपिंग कीजिए, यानी कि पोछा लगाइए। आप पाएंगे कि आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जीज रह ही नहीं सकती, वहाँ पर उनका सर्वाइवल ही नहीं होगा। एक और उपाय दोस्तों बहुत ही कारगर बताने जा रहा हूँ, फिनेंशियल एनर्जीज से भी जो रिलेटेड है, और साथ में साथ आपको पता लगेगा कि आप मेजर कर पाएंगे कि आपके घर के अंदर अभी नेगेटिव एनर्जीज है नहीं। इस उपाय के बाद आपको करना क्या है कि एक टेबल के ऊपर एक बाउल या एक इस तरह का कोई भी कंटेनर रखना है जिसके अंदर आप पानी भर के रखें, जो कि सुंदर भी दिखे उत्तर दिशा में, और उसके अंदर आप पानी को जो है हर 3-3 दिन बाद चेंज कीजिए। आप पाएंगे कि वो जो पानी है वो 3 दिन में पीला होता जाएगा। यदि वो पीला होता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, परंतु दोस्तों ये जो पानी है, हर बार जब आप इस पानी को रखेंगे तो आपने आधा चम्मच सेंधा नमक ज़रूर इसमें डालना है। और कोई एक्वेटिक एनिमल यानी कि कछुआ यदि आप इसमें प्लेस कर सकते हैं, स्टील का या लोहे का, आप कह लीजिए तांबे का, इस तरह के कछुए आजकल मार्केट में मिलते हैं, प्रतीक के रूप में आप वो कछुआ भी इस बाउल के अंदर डाल के रखिए, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। फाइनेंशियल एनर्जीज जो है वो बहुत अच्छे से कंट्रोल में जाती हैं, और आप पाएंगे कि आपके घर में कुछ दिनों के अंदर आप पाएंगे कि वो पानी पीला नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आप पाएंगे कि अब नेगेटिव एनर्जीज आपके आसपास आपके घर में नहीं है। एक और कारगर उपाय बताने जा रहा हूँ दोस्तों, आपके घर में आपको इंसेंस स्टिक्स यानी कि धूप बत्तियों का जो प्रयोग है
उपयोग है वो भी करना है। अक्सर हम लोग धूप बत्ती ला के रखते हैं पर उसका हम उपयोग नहीं करते दोस्तों। और इसके अलावा आपका मंदिर दोस्तों, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिस घर में मंदिर नहीं है उस घर में नेगेटिव एनर्जीज डेफिनेटली होंगी। तो आपका जो मंदिर है उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण के अंदर ज़रूर बनाएं और 2 से 3 बार ज़रूर जो है वहाँ पर धूप बत्ती जलाएं। बिकॉज जो है इससे आपकी ब्रेन की कंडीशनिंग जो है पॉजिटिव होगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और डिप्रेशन के पेशेंट्स को वैसे भी इससे बहुत अच्छा कह लीजिए एक उपाय है ये, इससे बहुत आराम मिलता है। इसके अलावा दोस्तों आपको करना क्या है कि तुलसी का पौधा जो है अपने मेन गेट पर, अगर आपका घर जो है उत्तर मुखी है पूर्व मुखी है उस पर ज़रूर रखें। सुबह शाम तुलसी के जो पौधे के को धूप बत्ती दीजिए, उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। घर के अंदर किसी तरह की नेगेटिव एनर्जीज जो हैं एंटर नहीं हो पाती। और अगर आपका घर दक्षिण मुखी या फिर पश्चिम मुखी है तो दक्षिण मुखी घर के अंदर आप जो है बेसिकली हनुमान जी का एक चित्र या फोटो लगा के फिर जो है वहाँ पर तुलसी का प्रयोग कीजिए, जैसे मैंने उपाय बताया है। और अगर पश्चिम मुखी है तो वहाँ पर काले घोड़े की घिसी हुई नाल जो है वो लगाकर फिर जो है आप तुलसी का पौधा लगाइए और फिर सुबह शाम धूप बत्ती कीजिए, नेगेटिव एनर्जीज एंटर नहीं हो पाएंगी घर के अंदर किसी भी कीमत पे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक और उपाय बताने जा रहा हूँ आपको। कई बार ये भी बताया जाता है, मेरे पास अक्सर आता है डिप्रेशन में कई बार कपल्स होते हैं, घर ग्रह क्लेश होता है, लड़ाई हो रही थी, तो उससे संबंधित एक छोटी सी उपाय बता रहा हूँ। उत्तर पूर्व के अंदर आप जो एक लव बर्ड्स को रखिए, उससे भी घर के अंदर काफ़ी मेंटल पीस बनी रहेगी, खासकर हस्बैंड वाइफ में या कपल्स में काफ़ी शांति बनी रहेगी दोस्तों। इसके अलावा एक बात का और ध्यान रखिए, आपकी जो एंट्रेंस है आपका जो मेन एंट्रेंस जो गेट होता है उस पर हमेशा एक विंड चाइम लगा के रखिए। विंड चाइम जो होती है नेचुरल फिल्टर होता है, वॉइस फिल्टर होता है, जो कि वॉइस से जो है अपना जो है फिल्ट्रेशन का काम करता है और साथ ही साथ जो है आपके घर की नेगेटिव एनर्जीज को पूरी तरह से ख़त्म करता है दोस्तों। आपको बेसिकली एक चीज़ और आइडेंटिफाई करनी है दोस्तों, आपके घर के अंदर यदि किसी भी तरह का कबाड़ है तो वहाँ पर उस कबाड़ को मत रहने दीजिए, कबाड़ को जितना हो सके हटा दीजिए दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों स्टेयर्स के नीचे या स्टेयर्स के बीच में भी आप कहीं ना कहीं विंड चाइम्स यूज़ कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए स्टेयर के नीचे की जगह आपने यूज़ कर रखी है, कोई टॉयलेट बना रखा है या कोई स्टोर्स आपने बना रखे हैं या स्टोर बना रखा है दोस्तों, अगर आपके स्टोर के अंदर अंधेरा रहता है तो वहाँ पर अंधेरा नहीं रहना, वहाँ पर हमेशा लाइट रखी है एक तरह की, वो बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये सारा एक मिला जुला समीकरण, ये सारे उपाय जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए इनको एक एक करके इम्प्लीमेंट कीजिए और आप पाएंगे कि आपके घर के अंदर या ऑफिस के अंदर किसी तरह का डिप्रेशन नहीं रह गया है और आप काफ़ी हद तक डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे दोस्तों। सेंधा नमक एक नेचुरल ऑब्जर्वेंट है, साइंटिफिक उपाय है दोस्तों ये। इसको करने के बाद जो है आप जो है बिल्कुल डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे, या आपका फैमिली का कोई भी मेम्बर डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा और घर के अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से मेंटल पीस होगी दोस्तों, यानी कि शांति होगी दोस्तों। डॉक्टर भव्यदीप भाटिया टॉक शो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए मेरे साथ, आगे भी कई सारे सॉल्यूशंस लेके आने वाला हूँ आपके लिए, आपकी मेंटल पीस के लिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।